प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, निर्माण आईएएस के इस एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, उसके साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग और सबसे महत्वपूर्ण एक इलिमिनेशन टेक्निक सिखाता हूं, जिसके माध्यम से आप एग्जाम हॉल में कम नॉलेज होने के बावजूद मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में। एंकर निवेशक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंकर इन्वेस्टर्स आर करेक्ट। ओके, तो यहां कह रहा है कि एंकर निवेशक संस्थागत निवेशक होते हैं जिन्हें प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों के बाद शेयर की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब देखिए यहां पर यह बात जरूर इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि लगातार पिछले 4-5 सालों से शेयर मार्केट भारत का बहुत तेजी से उछाल मार रहा है और इस समय पूरी दुनिया में शेयर मार्केट एक इकोनॉमी का सिंबल बन गया है। जिस देश का शेयर मार्केट जितना अच्छा परफॉर्म करता है, लोग मानते हैं कि उस देश की इकोनॉमी उतनी अच्छी कर रही है। तो ऐसे में शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो टर्म्स हैं वे टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यूपीएससी लगातार पिछले वर्षों का रिकॉर्ड भी है कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी को सीधे लेकर के क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे में ये एंकर निवेशक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं पहले स्टेटमेंट को पढ़ता हूं, आप लोग बताते रहेंगे कि कहां कहां की पॉइंट्स हो रहे हैं। एंकर निवेशक संस्थागत निवेशक होते हैं जिन्हें प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों के बाद, यहां देखिए एक शब्द यूज किया गया है बाद। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि ये बाद जो कह रहा है तो पहले भी हो सकता था, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों के पहले ऐसा हो सकता था ना, तो इन्होंने बाद शेयरों की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो इस पहले स्टेटमेंट में हमें दो ऐसे पॉइंट्स मिले जहां पर हम डाउट कर सकते हैं अगर हमें जानकारी नहीं है। तो पहला कि एंकर निवेशक कौन होते हैं? संस्थागत निवेशक। तो यह तो हम सभी जानते हैं कि एंकर निवेशक संस्थागत निवेशक होते हैं जो कि संस्था, शेयर मार्केट एक संस्था है, उस संस्था में निवेश कर रहे हैं तो संस्थागत निवेशक होंगे। तो इस तरीके से यह जो स्टेटमेंट है, पहला जो लाइन है इसका संस्थागत निवेशक वाला, वो कोई हमारे लिए की पॉइंट नहीं बनता है। लेकिन जिन्हें प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों के बाद शेयर की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया जाता है, जब ये बाद शब्द दिख जाए तो सोचिएगा कि यह स्टेटमेंट एग्जामिनर ने सोच करके बनाया होगा कि बाद शब्द जोड़ना है ताकि बच्चे उसको गलत करें। ठीक है, तो यहां पर बाद एक शब्द है जिसको क्लियर करके हम एक डाउट कर सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक एंकर निवेशक को न्यूनतम 10 करोड़ रुपए का निवेश करने की आवश्यकता है। अब यह सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि एंकर इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको एंकर इन्वेस्टर्स तभी कहा जाता है जब वो न्यूनतम कितना 10 करोड़ रुपए निवेश करते हैं। तो यहां पर हो सकता है कि 10 करोड़ रुपए के स्थान पर 5 करोड़ हो या फिर 15 हो, 20 हो, कोई भी डिजिट हो सकता है। तो जब डिजिट दिया गया है तो हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, संभावना है कि डिजिट वो गलत हो सकता है। तीसरे पर आते हैं, एंकर निवेशकों को अनिवार्य रूप से, अनिवार्य शब्द जैसे ही आया घेर दिया हमने, अनिवार्य रूप से निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और बाजार में आईपीओ की मांग का अनुमान लगाने के लिए लाया जाता है। अब एंकर निवेशक को क्यों लाया जाता है भाई, एंकर निवेशक को? तो कह रहा है स्टेटमेंट तीसरा कि उन्हें अनिवार्य रूप से निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और आईपीओ की मांग का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अगर हम तीसरे स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करें तो दूसरे स्टेटमेंट से मिला करके समझिएगा इसको कि एंकर निवेशक को न्यूनतम 10 करोड़ रुपए का निवेश करने की आवश्यकता है। चलिए हम लोग 10 करोड़ नहीं मानते हैं, 5 करोड़ मानते हैं।
पांच करोड़ का अगर किसी कंपनी में, किसी कंपनी का शेयर कोई एक एंकर इन्वेस्टर खरीद रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि भाई एंकर इन्वेस्टर एक 5 करोड़ का शेयर खरीद दिया, मतलब ये कंपनी का शेयर महत्वपूर्ण है, कंपनी बढ़िया है, ट्रस्टेड है, तभी तो किसी ने 5 करोड़ का शेयर खरीदा। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या आ रहा है कि एंकर निवेशकों को अनिवार्य रूप से निवेशकों का विश्वास बढ़ाने, तो ऐसे दूसरे निवेशकों का विश्वास बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। तो अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं तो तीसरा स्टेटमेंट अपने आप हमें सही नजर आ रहा है, अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट को इससे मिला रहे हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि सही पुट चुने, अर्थात कौन सा इनमें से सही स्टेटमेंट है। अब आइए थोड़ा जान लेते हैं एंकर इन्वेस्टर्स होते कौन। देखिए एंकर निवेशक संस्थागत निवेशक ही होते हैं जो क्या करते हैं, जिन्हें सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ खुलने से ठीक पहले शेयर आवंटित किए जाते हैं। पहले मैंने कहा ना कि अगर शब्द में बाद और पहले दिख गया है तो समझ लीजिए कि एग्जामिनर ने ये स्टेटमेंट कहीं से कट पेस्ट नहीं किया है बल्कि खुद से बनाया है। और खुद से अगर कोई स्टेटमेंट बनाता है, यूजुअली जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो बनाते समय अगर कहीं से कट पेस्ट किया तो वो लाइन सही होती है, खुद से जब हम लोग बनाते हैं तो वो लाइन को हम लोग गलत करने का प्रयास करते हैं, तो एग्जामिनर भी यही गलत करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यहां एंकर इन्वेस्टर्स किसे कहते हैं, जो आईपीओ खुलने से ठीक पहले, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। शेयर मार्केट के दो भाग होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जब शेयर इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे कहते हैं आईपीओ। तो उस आईपीओ को इंट्रोड्यूस करने से पहले जिसको शेयर दे दिया जाए उसे कहते हैं एंकर निवेशक। सामान्य निवेशक तो हम समझते हैं कि जो कि शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन एंकर मतलब कोई तो विशेष है, ये विशेष है तो सामान्य लोगों की तरफ तो ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो विशेष क्या ट्रीट किया गया कि शेयर जारी होने से पहले ही आपको शेयर दे दिया गया, तो आप हो गए एंकर इन्वेस्टर्स। सभी एंकर निवेशक लॉकिंग अवधि से बंधे होते हैं। अब लॉकिंग अवधि क्या है कि भाई आपको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं कि आप बहुत विशेष लोग हैं, हम आपको पहले ही शेयर दे दे रहे हैं, तो हम क्यों दे रहे हैं, तो हम आप पर बाउंड लगाएंगे। देखिए आपको शेयर तो दे रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज आपको हमने शेयर दे दिया और अपने कल ही शेयर बेच करके यहां से निकल गए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको एक निश्चित समय तक शेयर को नहीं बेचना है, तभी हम आपको ये शेयर देंगे। तो ये जो एंकर निवेशक होते हैं वो लॉक इन अवधि, वही जो लॉक इन अवधि हमने फिक्स किया है बातचीत में कि आपको अगले 6 महीने तक आप अपना शेयर नहीं बेचेंगे, चाहे शेयर का भाव बढ़े या चाहे शेयर का भाव घटे, आपको 6 महीने तक नहीं बेचना है। तो ये जो लॉक इन पीरियड होता है ये एंकर इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ा होता है क्योंकि उन्हें कंपनी के शेयरों का पक्का आवंटन मिलता है। अगला पॉइंट, ये योग्य संस्थागत खरीदार को बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक के मूल्य के लिए आवेदन करने के लिए संदर्भित करता है। अब यहां पर देखिए सेकेंड स्टेटमेंट कि प्रत्येक एंकर निवेशक को न्यूनतम 10 करोड़ रुपए का निवेश करने की आवश्यकता है। अब ये क्या कह रहा है कि 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक, मतलब कि न्यूनतम 10 करोड़ रुपए। देखिए ये स्टेटमेंट दरअसल हमने जान करके सही बनाया है, कभी कभी ऐसा यूपीएससी करता है, यूजुअली नहीं करता है, लेकिन कभी कभी वो कोई स्टेटमेंट ऐसा भी डाल देता है जो पढ़ने से, अगर हमें जानकारी नहीं हो तो पढ़ने से लगता है कि ये स्टेटमेंट बनाया गया है और ये गलत हो रहा है, लेकिन वो सही होता है। तो ये स्टेटमेंट चूंकि यहां पर एक नंबर दिया गया है, डिजिट दिया गया है, तो हमने क्या बताया है पिछले क्लासों में कि जो डिजिट दिया जाए यूपीएससी के एग्जाम में तो यूजुअली वो डिजिट देखा जाता है कि वो गलत डिजिट दिया जाता है। तो यहां डिजिट दिया गया है लेकिन यह डिजिट सही दिया गया है, तो ऐसा क्वेश्चन रेयरेस्ट पूछा जाता है जिसमें डिजिट सही हो, लेकिन ऐसा भी पूछा जाता है, यह मैं आपको बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन के माध्यम से। आइए आगे देखते हैं। एक एंकर निवेशक अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बाजार में आने से पहले निवेशकों को सार्वजनिक प्रस्तावों के लिए आकर्षित कर सकता है। तो भाई एंकर निवेशक क्या कर सकता है, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों को आत्मविश्वास बढ़ाने और बाजार में आईपीओ की मांग को अनुमान लगाने के लिए लगाया जाता है। तो एंकर निवेशक क्या कर सकता है, बाजार में अन्य लोगों में उस कंपनी के प्रति विश्वास बढ़ाने में भूमिका निभा सकता है।
अब इन सब के साथ जैसे ही आपने पहले स्टेटमेंट को पढ़ा कि प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों के बाद शेयर सदस्यता के लिए आमंत्रित किया जाता है और आपने इस बात को गलत मान लिया तो आपका काम यहीं पर हो गया। पहला स्टेटमेंट को आपने चूंकि यहां बाद शब्द है इसको गलत मान लिया तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हुआ तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और आपका बी और दो और तीन आंसर निकल गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रिक को समझना जरूरी है, एलिमिनेशन मेथड को समझना जरूरी है, वरन सिर्फ नॉलेज से यूपीएससी का प्रीलिम्स पास होना बहुत मुश्किल है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और हम सभी अगला क्वेश्चन जो ये दिख रहा है आप लोगों के पीछे मेरे पीछे ये कह रहा है कि निम्न में से कौन से कारक उच्च विदेशी मुद्रा भंडार के रखरखाव को उचित ठहराते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहते हैं कि भारत अगर बड़े मात्रा में विदेशी भंडार को विदेशी मुद्रा भंडार को रख रहा है तो वो सही है। क्योंकि एक बात समझिए आप लोग, अगर आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार है और वो स्टोर्ड है रख दिया गया है तो इसका मतलब कि अब आप उसको इन्वेस्ट कहीं नहीं कर रहे हैं तो उससे आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं क्योंकि वो तो आपने क्या किया आरबीआई के पास एज ए स्टॉक रख दिया है तो वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं और उस पैसे को रखे हुए हैं तो इसका मतलब कि आपको घाटा हो रहा है उसके बावजूद आप वो रखे हुए हैं तो फिर क्यों रखे हुए हैं। अब यह प्रश्न वही कह रहा है कि ऐसी स्थिति में जबकि वो आपको प्रॉफिट दे सकता था आप उस पैसे को निवेश करके कहीं कुछ अच्छा बड़ा काम कर सकते थे उसके बावजूद आपने नहीं निवेश किया तो क्यों नहीं निवेश किया, अर्थात कौन से ऐसे कारक हैं जो भारत को उच्च विदेशी मुद्रा भंडार, क्योंकि भारत के पास अभी लगभग 600 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का विदेशी मुद्रा भंडार है, अगर हम दुनिया में देखें तो दुनिया में हम चौथे सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देश हैं तो क्यों हम ऐसे चौथे बने हुए हैं। पहला कारक कह रहा है कि घरेलू और वैश्विक आर्थिक जोखिम के विरुद्ध तरलता, कह रहा है कि जब घरेलू स्तर पर कोई चुनौती आएगी आर्थिक चुनौती आएगी या वैश्विक स्तर पर कोई चुनौती आएगी तो घरेलू और वैश्विक स्तर पर अगर कोई आर्थिक जोखिम आता है तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार अगर स्टॉक रहेगा तो हम क्या करेंगे उस जोखिम का समाधान कर पाएंगे। जैसे सपोज करिए देश में जैसे अभी हाल ही में टर्की में भूकंप आए थे, भगवान ना करे वो कभी ऐसी भूकंप भारत में भी आ जाए जैसे भुज में आया था, तो भूकंप जैसी आपदाएं आती हैं तो ये बड़े स्तर पर मानवीय क्षति का कारण बनती है। तो अगर भारत में ऐसी कोई मानवीय क्षति होती है तो हमारे यहाँ पहले से ही बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा भंडार रहेगा तो हम उस विदेशी मुद्रा भंडार से दुनिया में कुछ भी खरीद करके तत्काल अपने देश में राहत कार्य के लिए उपलब्ध करा पाएंगे। ठीक है, तो अगर इस स्तर पर देखें तो ये पहला स्टेटमेंट सही दिखता है। दूसरा, तरलता के बंदकरण के उच्च अवसर और राजकोषीय लागत के कम जोखिम, अब ये सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि बहुत अधिक अगर विदेशी मुद्रा भंडार है हमारे पास तो हम तरलता को लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, बाजार में मुद्रा के प्रवाह को मुद्रा की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सेकेंड स्टेटमेंट, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट नॉलेज की डिमांड करते हैं, ये स्टेटमेंट यहां पर ट्रिक से आप क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या करता है, तरलता का बल देकर तरलता का कंट्रोल लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। अब मार्केट में सपोज करिए देश में रुपया बाजार में अधिक है और हमारे आरबीआई के पास भी बहुत बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार होने से क्या बाजार में रुपए देश के अंदर रुपए के प्रवाह पर कोई प्रभाव पड़ता है ये आप लोगों को बताना है। भाई रुपया देश के अंदर अगर घूम रहा है और स्टॉक वो आरबीआई के पड़ा हो तो उस स्टॉक से रुपए का क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। वह स्टॉक तभी इफेक्टिव हो सकता है जब आरबीआई उस स्टॉक को यूज करके देश में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाने का प्रयास करे, क्योंकि वह स्टॉक से मुद्रा का प्रवाह घट तो नहीं सकता, तो वो जो स्टॉक के रूप में रखा हुआ है उसका देश के अंदर के रुपया के प्रवाह से मुद्रा स्फीति से कोई प्रत्यक्ष लेना देना नहीं होता है, तो ऐसे में सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। फिर कहता है विनिमय दर प्रबंधन, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, क्या होता है विनिमय दर प्रबंधन, एक मुद्रा के एक देश की मुद्रा के दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष
जो एक्सचेंज रेट होता है उसी को कहते हैं विनिमय दर प्रबंधन। जैसे अभी दुनिया की सबसे डिमांडेड मुद्रा डॉलर है, तो डॉलर डिमांडेड मुद्रा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है क्योंकि दुनिया के सभी देश उसको चाहते हैं कि मेरे पास डॉलर आ जाए, तो डॉलर की कीमत बढ़ती जाती है, जितना उसका डिमांड बढ़ता जाता है उसकी कीमत बढ़ती जाती है। अब भारतीय रुपया है, अब भारत के पास बहुत अधिक संख्या में ह्यूज अमाउंट में विदेशी मुद्रा भंडार है, तो अगर भारत की रुपए का मूल्य गिरने लगेगा तो भारत क्या करेगा? अब बहुत अधिक संख्या में विदेशी मुद्रा भंडार है, इसका मतलब है कि डॉलर का मूल्य बढ़ रहा है, डॉलर मार्केट से कम हो रहा है तभी उसका मूल्य बढ़ रहा है और तभी रुपए का मूल्य घट रहा है, ऐसा हो रहा है ना। जैसे अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने डॉलर के मूल्य में वृद्धि कर दी या इंटरेस्ट रेट में वृद्धि कर दी, तो डॉलर के मूल्य में अगर उसने वृद्धि कर दी तो क्या होगा? जो डॉलर के डिमांड करने वाले देश हैं, क्योंकि दुनिया के सभी देश को डॉलर से ही अपने ट्रेड करने हैं, तो डॉलर को वो क्या करेंगे? देखेंगे डॉलर महंगा हो रहा है तो सोचेंगे कि जल्दी जल्दी हम जितने से ज्यादा अधिक डॉलर इकट्ठा कर लें, तो ज्यादा से ज्यादा डॉलर इकट्ठा करने की होड़ में डॉलर की मांग और बढ़ जाएगी, तो डॉलर मार्केट से कम हो जाएगा, तो मार्केट से डॉलर कम हो गया तो डॉलर महंगा हो गया, लेकिन उसके सापेक्ष अन्य मुद्राएं कम हो जाएंगी, भारत की रुपए जो करेंसी है उसका वैल्यू घट जाएगा। ऐसे में आरबीआई के पास अगर खूब बड़ी संख्या में डॉलर है तो आरबीआई क्या करेगा? कुछ लगभग 50 बिलियन 100 बिलियन डॉलर लेकर के मार्केट में डाल देगा। जैसे ही 100 बिलियन आरबीआई ने मार्केट में पैसा डाला, डॉलर का भाव जो बढ़ा हुआ था वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो घट जाएगा तो भारतीय रुपये का मूल्य डॉलर से जो बहुत बड़ा गैप हो गया था वो घट जाएगा गैप भी। तो विनिमय दर प्रबंधन में अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बड़ा है तो वो हेल्प कर रहा है ना। तो ऐसे में तीसरा सही है और पहला सही है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारे यहाँ मेरे पूछने का जो तात्पर्य था वो ये था कि इकोनॉमी के जो क्वेश्चन होंगे आपसे जो पूछे जाएंगे वे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और उसके लिए आप जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जितना अधिक इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को समझेंगे, उसके टर्म्स को समझेंगे, उतना अधिक आप इकोनॉमी के क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात से आप समझ गए कि हमें ऐसे इकोनॉमी के क्वेश्चन को, और एक और बात कि अगर आपको प्रीलिम्स पास करने हैं तो इकोनॉमी, पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया, इन तीनों का एग्जाम में अच्छा होना कंपलसरी है। तो इकोनॉमी के लिए आप लोग तैयार रहे कि उसकी क्वालिटी बनी रहेगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अवैध खनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब अवैध खनन के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया है, तो भारत में अवैध खनन अक्सर होते रहते हैं और 2021 में भी यूपीएससी ने ऐसे ही एक प्रश्न पूछे थे अवैध खनन से ही जुड़े हुए। बेसिकली वो डायरेक्टली अवैध खनन से नहीं थे, वो छोटे जो मिनरल्स होते हैं उनके संदर्भ में प्रश्न पूछे गए थे, तो इसीलिए यह प्रश्न पूछा गया है कि अवैध खनन चर्चा में रहता है अक्सर। आप लोग वेब सीरीज में देखते हैं रेत की खनन होती रहती है, फिल्मों में देखते हैं अवैध खनन की हो गई, कभी हमें सुनने को मिलता है कि यहाँ कोयले की अवैध खनन हो रही है, तो कहीं पता चलता है कि यहाँ पत्थर अवैध रूप से तोड़े जा रहे हैं। तो अवैध खनन महत्वपूर्ण है, चर्चा में रहता है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आइए प्रश्न को देखते हैं। भारत में रेत और बजरी जैसे गौण खनिज को पानी के बाद दूसरा सबसे बड़ा निष्कर्षण उद्योग माना गया। अब यहां पर देखिए पहले स्टेटमेंट में की पॉइंट्स सर्च करिए। भारत में रेत और बजरी जैसे गौण खनिज, तो पहले तो कि रेत और बजरी गौण खनिज हैं कि नहीं है, गौण खनिज हैं कि मुख्य खनिज हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा कि इनको पानी के बाद दूसरा सबसे बड़ा निष्कर्षण उद्योग, अर्थात सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है जमीन से निष्कर्षण करने वाला गौण खनिजों में? तो पानी है, और उसके बाद दूसरे कौन है? रेत और बजरी। ये स्टेटमेंट पहला कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि भारत में गौण खनिजों के लिए नियम बनाने, रॉयल्टी की दरें निर्धारित करने, खनिज रियायतें प्रवर्तन आदि के नियामक और प्रशासनिक शक्तियां विशेष रूप से केंद्र सरकार को सौंपी जाती हैं।
अब यहां पर देखिए बीच में क्या लिखा है कि क्या बनाने हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब इससे है कि विशेष शक्तियां किसके बारे में बात कर रहा है, केंद्र सरकार। अब यहां पर केंद्र सरकार ही क्यों, राज्य सरकार क्यों नहीं? तो केंद्र सरकार एक की पॉइंट है जो गलत हो सकता है, हमें सिर्फ उसी की पॉइंट को टच करना है, खोजना है स्टेटमेंट में। तो यहां केंद्र सरकार की पॉइंट दिखा। तीसरा EIA एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। EIA में 2016 को संशोधित किया गया जिसमें 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रों में खनन के लिए पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य कर दी, जिसमें लघु खनिज भी शामिल है। अब तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रूल 2016 जब इंट्रोड्यूस किया गया तो उस रूल में बताया गया कि 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में अगर खनन किया जाता है तो उसके लिए भी पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य है। अब ये बात थोड़ा सा अगर समझदारी दिखाएं, पहला तो कि यहां पर 5 हेक्टेयर से कम वाला पॉइंट है। अब 5 हेक्टेयर सिर्फ होता तो यह निश्चित रूप से गलत हो जाता, लेकिन यह 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र कह रहा है, मतलब कि 5 हेक्टेयर से कोई भी कम, 3, 4, 2, 5, 1, ये कोई नंबर लिमिट नहीं लगाता, यह बाध्यकारिता नहीं कहता कि 5 ही, ऐसा नहीं कह रहा है। तो जहां भी कोई डिजिट भी हो लेकिन वो डिजिट संभावित हो या एक्सपेंशनिस्ट हो तो मैक्सिमम केस में वो स्टेटमेंट सही होती है। तो इसमें 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रों में, अब ये थोड़ा समझ भी लीजिए कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अभी पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर के चिंता जाहिर की जाती है, तो ऐसे में अगर 5 हेक्टेयर के अंदर कोई खनिज खनन किया जा रहा है, कोई इतने बड़े क्षेत्र में जहां की 5 हेक्टेयर का क्षेत्र है वहां पर खनन किया जा रहा है, तो उसके लिए पर्यावरण मंजूरी लेना जरूरी है कि नहीं है? अगर इसको नहीं कर दिया जाता तो समुद्र के किनारे 5 हेक्टेयर रोज, चलो भाई हम तो सिर्फ 5 हेक्टेयर खोज रहे हैं, खोद दिया। कोई बड़ा जंगल है वहां हम तो सिर्फ 5 हेक्टेयर खोद रहे हैं, खोद दिया। तो ऐसे जंगल और समुद्र के किनारे तटीय इलाके को हानि हो सकती है, तो इसीलिए ये 5 हेक्टेयर वाला संभवतः सही नजर आ रहा है। लेकिन यहां एक लोचा है कि EIA 2016, तो ये जानना जरूरी है कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रूल 2016 में ही अनियम है या फिर नहीं है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों में अगर आपने सिर्फ एक की पॉइंट को पकड़ लिया तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है। अब देखिए ये वाला जो थर्ड पॉइंट है, ये अगर कोई समझदार लड़का है तो उसे पता है कि इस पॉइंट में अगर गलती होगी तो मुझे पता नहीं चलेगी। लेकिन सेकेंड पॉइंट में केंद्र सरकार जो दिया गया है यह तो एक डेफिनेट स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसीलिए इसके गलत होने की संभावना बहुत अधिक है। तो अगर सेकेंड स्टेटमेंट को गलत किया तो क्या हो गया, यह भी गलत हो गया, यह भी हो गया, यह भी हो गया, और सीधे आपका आंसर निकल गया। अब आपको पहले और तीसरे के बारे में सोचना ही नहीं है, और आंसर भी यही है। ये ध्यान रखिएगा कि देश में सबसे बड़ा अगर कोई निष्कर्षण है जो गौण खनिजों में सबसे अधिक अगर निकाला जाता है तो वह जल ही है, पानी ही है, और पानी के बाद रेत और बजरी को निकाला जाता है। आज भी नदियों से रेत निकाल करके उसका ब्लैक मार्केटिंग खूब होता है। तो इस तरीके से 2016 में यह रूल लगाया गया था, तो ये स्टेटमेंट पहला और तीसरा सही हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देखिए ये वाला स्टेटमेंट है, पिछले साल अगर आप लोग न्यूज लगातार पढ़ रहे होंगे तो आपको पता है कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे चाइनीज शिप एक आकर के रुका था, एक स्पाई शिप जो कि हिंद महासागर के क्षेत्र में गुप्तचरी कर रहा था। भारत ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी श्रीलंका के साथ, श्रीलंका ने कुछ समय तक मना भी किया था, लेकिन उसके बावजूद फिर बाद में श्रीलंका के बंदरगाह पर चाइना का वो स्पाई पोर्ट स्पाई शिप आकर के रुका। अब उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन है, युआन वांग फाइव ये उस शिप का नाम था, चीन की स्पेस ट्रैकिंग शिप है और इसका इस्तेमाल सैटेलाइट निगरानी के लिए, सैटेलाइट निगरानी के अलावा रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग में किया जाता है। अब आपके लिए होमवर्क है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं, ठीक है?
दोनों को देख लीजिएगा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, इन दोनों को देख लीजिएगा क्या होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि हंबनटोटा पोर्ट का निर्माण चीन की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी हार्बर इंजीनियरिंग द्वारा किया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट है हंबनटोटा पोर्ट श्रीलंका के त्रिंकोणमाली में स्थित है। अब तीन स्टेटमेंट आपके सामने हैं। इसको डिजाइन करते समय दिमाग में हमारे ये था कि हम आपको ये बता सके कि कभी कभी स्टेटमेंट बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन आप उसको सही कर सकते हैं। अब यूजुअली जो यूपीएससी पूछेगा, एक साधारण स्टूडेंट जो कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहा है, वो जानता है कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट बनाया गया है, यहां पर जो एक कंपनी का नाम लिखा गया है हार्बर इंजीनियरिंग, यूपीएससी जब भी क्वेश्चन बनाएगा इस कंपनी का नाम हमेशा गलत लिखेगा, हमेशा का सेंस मैक्सिमम केस में गलत लिखेगा, ठीक है। अब यहां अगर सही करने की बात आए तो यहां पे कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो देखिए पहला डेफिनेटली सही है, सेकंड भी सही है, सेकंड बनाते समय सही बना है, लेकिन यूपीएससी अगर ऐसा ऑप्शन देगा तो वो डेफिनेटली गलत देगा, ठीक है। थर्ड वाला स्टेटमेंट मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि ये मैपिंग का क्वेश्चन है कि हंबनटोटा पोर्ट श्रीलंका के त्रिंकोणमाली में स्थित है कि नहीं है, ये आप बताएंगे और इसका आंसर भी आप लोग ही कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक ये पीवाईक्यू है, देखिए 2021 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को दिखाने का तात्पर्य क्या है कि आप समझ सके कि यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है और उसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है, कहता है उपयुक्त में से कौन सा सही है। इतना साधारण स्टेटमेंट है, इतना साधारण क्वेश्चन है कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये आसानी से इलिमिनेट हो सकता था। मतलब इसके लिए आपको आरबीआई के पावर के बारे में जानने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। सिंपल तरीके से सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, भारतीय संविधान, क्या भारतीय संविधान में कहीं भी आरबीआई के बारे में चर्चा है? नहीं। क्या आरबीआई संवैधानिक बॉडी है? नहीं। तो जब संवैधानिक बॉडी नहीं है, संविधान में आरबीआई के बारे में चर्चा नहीं है, तो फिर आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार संविधान कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता है ना। तो यह स्टेटमेंट गलत हुआ। और अब दो को गलत अगर जैसे ही आपने किया, देखिए यहां पर क्या हो गया, आपका आंसर निकल गया। और यूपीएससी के ऐसे क्वेश्चन आपको कम से कम 15 से 20 मिलेंगे जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप इलिमिनेट कर सकते। अगर आपने संविधान को पढ़ा है तो संवैधानिक संस्थाओं में कहीं भी आरबीआई का नाम नहीं आता है, अर्थात संविधान में इसको कहीं मेंशन ही नहीं किया गया है। अब प्रश्न है कि आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देता कौन है? सरकार निर्देश तो देती ही है, तो वो एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934 और उस एक्ट के आर्टिकल नंबर 7 के तहत 7 और 8 से सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को आदेश दे सकती है, बाध्यकारी आदेश दे सकती है। तो ये क्वेश्चन दिखाने का मेरा पर्पस यही था, ठीक है। अब ये एक वर्ल्ड मैपिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिए, सामने मैं छोड़ देता हूं और इसकी मैपिंग में आप लोगों को कल कराऊंगा, आज आप लोग खुद ही इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस सेशन को एंड करते हैं, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।